चाहिए ऐसे क्लीन, कोई पिंपल नहीं। देखो यार अब तो रिंग लाइट भी नहीं यूज कर रहा है। एक लड़की की भी फोटो दिखाता हूँ, ये देखो यार पिंपल भर रखे हैं। सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम, तुम्हें सिर्फ दो स्टेप्स करने हैं। एक टूथपेस्ट लेना व्हाइट कलर का, कोई भी टूथपेस्ट, व्हाइट कलर हो, प्योर व्हाइट, उसके अंदर कपूर थोड़ा सा डालना है, उस पिंपल पे लगाना है। उसके बाद नीम को ना पीस के उसके अंदर 4 चम्मच रोज वाटर डाल के उस पे कॉटन से लगाना है। भाई 12 घंटे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व, पिंपल भागेगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए बायो चेक करो, वीडियो भी बना दो। एक लड़के ने मेरे को फोटो भेजी, ये देखो आगे ना इनके बेबी हेयर निकल रहे हैं। तुम्हारे भाई के देखो, कोई बेबी हेयर तो नहीं आते? लड़कियों में भी ये काफी दिक्कत होती है, बेबी हेयर आते। पूरा हेयर स्टाइल की ये मदर, ये सिस्टर एक, तुम्हें इस चीज से सॉल्यूशन लेना। देखो यार अगर तुम काटोगे ना ये चीज को तो अलग ग्रोथ आएगी उसकी, मतलब एक तो बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी और अलग सी अजीब सी ग्रोथ आएगी। तुम्हें क्या करना है, बेसन और दूध मिक्स करके यहाँ पे लगाना है, अपने आप ग्रोथ खत्म होने लग जाएगी। कोई भी और प्रॉब्लम है, टिकटॉक के मेरे बायो, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दाढ़ी नहीं आ रही है यार, दाढ़ी चाहिए। DHT ना ब्लॉकर यहाँ पे आ गए हैं मेरे भाइयों, उससे ना दाढ़ी नहीं निकल पा रही। चाहे तुम तेल लगा लो, गधा लगा लो, घोड़ा लगा लो, इनकी भी यही प्रॉब्लम है। अब तुम्हें अल्टीमेट तरीका बता रहा हूँ। देखो यार तुम्हें कोई तेल वेल लगाने की जरूरत नहीं है, बायोटिन की टैबलेट्स तुम्हें लेनी पड़ेगी, उसके अंदर विटामिन मिलेगा, DHT रिमूव होगा, तभी तुम्हारी बियर्ड आएगी। यही एक लास्ट सॉल्यूशन है। और तुम ये दवाई कहाँ से ले सकते हो, ऑनलाइन केमिस्ट शॉप, या फिर यार तुम्हें पता होगा डॉक्टर अनिमेश टिकटॉक के जो डॉक्टर साहब हैं उनकी एप्लीकेशन आई है सर्जरी ऑनलाइन, वो डाउनलोड करो, ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स और दवाइयां मिल जाएगी। बस इनका नाम ना सोनू है, सोनू, सोनिया कर करके इनको स्कूल में चिढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाजुएं देखो, ये सबसे पतले हैं, इनकी बाजुएं नहीं है। आज जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, बाजुएं फट के बाहर निकलेंगी भाई, सीधा इधर ट्रिगर करता है ये, तुम्हारे जो बाइसेप्स है ना इतना मोटा हो जाएगा। क्यों? सीधा इधर के हॉर्मोन्स को टारगेट करेगा। गरम दूध के अंदर 1 चम्मच खसखस, वो ही करता है यहाँ पे। और भाई उसके साथ 1 चम्मच कद्दू के बीज मिक्स करने। कोई और प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए, टिकटॉक के मेरे बायो में मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो है, 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। एक लड़के ने मेरे को कॉन्टैक्ट करा, बोला मैं पतला हूँ, मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, मेरे को प्लीज आप चौड़ा बना दो। चौड़ा बनना वो एक अलग चीज है, मॉडलिंग अगर तुम्हें करनी है भाई, दो अलग अलग टाइप की मॉडलिंग होती है। एक होती है फैशन मॉडलिंग जिसमें पतले लोग ही चाहिए होते हैं। मैं एक अपना दोस्त बताता हूँ, TJ इनका नाम है, तुम देख पा रहे हो कितना पतला है, कितना पतला और कितने बढ़िया बढ़िया फैशन शूट्स ये करता है। क्यों? क्योंकि इसको नॉलेज है, इसको पता है कि भाई इसका शरीर किस जगह लगेगा। तुम कमर्शियल मॉडलिंग करनी है तब तुम्हें चौड़ा होना है, पतले हो तो तुम फैशन मॉडलिंग में जा सकते हो। पूरी नॉलेज अगर चाहिए ना पूरी मॉडलिंग के बारे में, टिकटॉक के मेरे बायो में मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो बना दूंगा इस पे। एक लड़के ने मेरे को कॉन्टैक्ट करा, बोला कि इसका माथा बहुत चौड़ा है, यहां से इसके बाल नहीं स्टार्ट होते, यहां से बाल स्टार्ट होते हैं। ये वाली चीज एक और लोग कर सकते हैं जिनका मैं रिजल्ट भी दिखाना चाहूंगा। ये अगर तुम्हारे बाल है ओढ़ रखे तो तुम्हारे बाल ये हो जाएंगे। क्या करना है तुम्हें, प्याज, माई नो महंगा है बट प्याज घिस दो, उसका जूस निकालना है, लहसुन का जूस, उसको ना कोकोनट ऑयल में ना उबालना है 5 मिनट और फिर छान के वो यूज करना और यहाँ पे लगाना है। रिजल्ट क्या आएगा, छोटा फोरहेड मेरे भाई, छोटा फोरहेड। बस ये प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए, टिकटॉक के मेरे बायो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बना दूंगा।